उधर कांप रहा पाकिस्तान, मोदी के भय से डरा पाकिस्तान, घबराए पाकिस्तान ने अब आतंकी ढांचे पर शुरू की कार्रवाई, मसूद के बेटे और भाई सहित 44 को भेजा जेल। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सो पीएम मोदी ने जरा सी उंगली टेढ़ी क्या की, आज पाकिस्तान के नेता कपकपा रहे हैं और आतंक के सबसे बड़े असुर मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने मसूद के बेटे और भाई सहित 44 आतंकियों को जेल में बंद कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर जमाते दावा और FIF पर बैन भी लगा दिया है, मतलब कि हाफिज सहित पर भी पाकिस्तान अब नकेल कसने लगा है। हालांकि ऐसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है और ये उसका ड्रामा भी हो सकता है, जो समूचे विश्व में दिखाना चाह रहा होगा कि वो शांति प्रिय देश है। लेकिन ये इमरान खान समझ ले कि ये नमो सरकार है, जो ठान लेती है उसे करके ही रहती है। और पीएम मोदी ने अपने मंसूबे भी आतंक को लेकर साफ कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ आतंक को खत्म करता है तो ठीक, वरना मोदी सरकार को 44 आतंकियों का ठिकाना पता चल गया है और हमारी वायुसेना का शौर्य भी आप देख चुके हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। बाकी ये इशारा पाकिस्तान भी समझ ले, वरना हम घर में घुस के मारेंगे।